हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट वीडियो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स के साथ। देखिए बच्चों, अगर मैं फिज़िक्स की बात करता हूँ, सो फिज़िक्स इज़ अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। इट्स लाइक अ फुटबॉल गेम। कहने का मतलब क्या है, जैसे फुटबॉल गेम में खेलने के लिए हम दो चीज़ पर मेजर फोकस कर रहे होते हैं। एक होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑन गेम एंड सेकंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन होता है गेम में, अपोनेंट की लेग पर हमारा जितना कंसंट्रेशन है, बॉल पर जितना कंसंट्रेशन है, सेकंड हमने जितना प्रैक्टिस परफॉर्म किया हुआ है, उतनी ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी होती है हमारी गेम में जीतने की। इन सेम वे अगर मैं फिज़िक्स के लिए बात करता हूँ, तो फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ओनली टू पैरामीटर्स पे वर्क करना है। फर्स्ट इज़ कंसंट्रेशन एंड सेकंड इज़ प्रैक्टिस। कंसंट्रेशन ऑन वीडियोस एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड क्वेश्चन मॉड्यूल्स। सो आपको बस दो ही चीज़ करनी है, जितनी भी वीडियोज हैं उनको फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है, एंड क्वेश्चन मॉड्यूल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। डेट वुड बी सफिशियंट टू अचीव योर टारगेट इन नीट एग्जामिनेशन। इवन यू कैन अचीव 180 आउट ऑफ 180, जो इस साल पॉसिबल भी हुआ है। सो विल फोकस ओनली टू पैरामीटर्स, वन इज कंसंट्रेशन एंड सेकेंड इज प्रैक्टिस। सो स्टार्ट करते हैं हम बेटा फिजिक्स के साथ। अगर देखो बेटा, मैं यहाँ पर फिजिक्स की बात करता हूँ, सो फिजिक्स इज जस्ट अ फंडामेंटल नॉलेज ऑफ नेचुरल फोर्स। डैट मीन्स यहाँ कंप्लीट फिजिक्स में ओनली एंड ओनली हम नेचुरल फोर्सेज की बात करेंगे। और नेचुरल फोर्सेज का मतलब क्या है, हम बात करेंगे लाइट के बारे में, हम बात करेंगे साउंड के बारे में, हीट एंड एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में। और अगर मैं इन सारी टर्म्स की बात करता हूँ, सो वी ऑल आर सराउंडेड विद दीज टर्म्स। लाइट से वी आर सराउंडेड, साउंड वी आर सराउंडेड, हीट एंड एनर्जी से वी आर सराउंडेड, इलेक्ट्रिसिटी का हम एप्लीकेशंस कंटिन्यूसली यूज में लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट से हम सराउंडेड हैं। सो ये सारी टर्म्स से वी आर ऑलरेडी फैमिलियर, और इन सब के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है, डेट स्टडी इज कॉल्ड फिजिक्स। सो बस इतनी सी ही बातें हैं जो हम कंप्लीट 11th एंड 12th में करने वाले हैं। सिंपल सा एक लॉजिक है, इन सारी टर्म्स के बारे में, इनके एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम पढ़ लें, तो हमारा कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस कवर हो जाता है। सो अगर आप यहाँ पर बोर्ड पर देखोगे, मैंने यहाँ पर कंप्लीट फिजिक्स को टोटल 6 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। देखिए बेटा, जैसे अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करता हूँ, तो एनसीईआरटी ने कंप्लीट फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एनसीईआरटी 11th एंड एनसीईआरटी 12th। 11th को फर्दर उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, 12th को उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो टोटल पार्ट्स हो गए अपने 4। अगर मैं अनदर वे में कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली मैं इसे बाइफरगेट करता हूँ, तो हमारा जो फिजिक्स है वो टोटल 6 टाइप का फिजिक्स हम पढ़ रहे होते हैं, जिसमें अपना फर्स्ट फिजिक्स होता है मैकेनिक्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड इज ऑप्टिक्स, फोर्थ इज मॉडर्न फिजिक्स विच इज इम्पॉर्टेंट, फिफ्थ इज हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, यू आल्सो फैमिलियर विद दिस टर्म, एंड सिक्स इज वेव एंड साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, सम अदर चैप्टर्स विच आर नॉट कवर्ड इन 5 चैप्टर्स, राइट। सो टोटल 6 पार्ट्स में हम कंप्लीट फिजिक्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ पार्ट हम 11th का फिजिक्स में कवर करने वाले हैं, और कुछ पार्ट हम 12th की फिजिक्स में कवर करने वाले हैं। जैसे अगर मैं मैकेनिक्स की बात करता हूँ, तो ये हमारा 11th का कंप्लीट फर्स्ट बुक है। कंप्लीट 11th की फर्स्ट बुक में हम कौन सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, सो ये हमारा कंप्लीट 12th का फर्स्ट बुक है। यहाँ पर हम 12th के फर्स्ट बुक में पूरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये कवर करता है हमारे टोटल 8 चैप्टर्स। सेम वे में ये भी हमारे कवर करता है टोटल 8 चैप्टर्स, राइट। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ ऑप्टिक्स की, सो ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं बेटा 12th का सेकेंड बुक में, डेट मीन ये हमारे 12th में आने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्न फिजिक्स की, सो मॉडर्न फिजिक्स को भी हम कवर करते हैं बेटा 12th के सेकेंड बुक में। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की, सो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हम पढ़ते हैं अपने 11th का सेकेंड बुक में, डेट मीन हमारा 11th का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट वेव साउंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड एंड सम अदर चैप्टर एंड बी आल्सो कवर्ड इन द 11th सेकेंड बुक। सो यहाँ पर देखिए बेटा, 3 टॉपिक तो हम पढ़ने वाले हैं 11th में, एंड 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं 12th में। तो ये हमारा कंप्लीट फिजिक्स है। बस इतना सा फिजिक्स हमको पढ़ लेना है, तो हमारा नीट का 180 मार्क्स का एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर
इन पोर्शन की भी अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन है डेट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम पढ़ने वाले हैं बेटा मोशन के बारे में, डेट मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे कोई भी पार्टिकल है वो कितने टाइप से मूव कर सकता है, डेट मीन फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन के बारे में, सेकेंड हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो कंप्लीट मैकेनिक्स में 8 चैप्टर्स में ओनली 2 टर्म्स पर हम बात करेंगे, वन इज टाइप ऑफ मोशन एंड सेकेंड इज कॉज ऑफ मोशन। कौन कौन से टाइप ऑफ मोशन पॉसिबल है इनके बारे में बात करेंगे, उनके कॉजेज क्या हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बोल देता हूँ ये कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, डेट बॉडी कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, डेट बॉडी कैन मूव इन अ सर्कुलर पाथ, अ बॉडी कैन मूव इन अ पैराबोलिक पाथ, या ये बॉडी रोटेट हो सकती है या रोटेट होते हुए मूव कर सकती है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन की, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कॉज ऑफ मोशन की। जैसे अगर मैं कॉज की बात करता हूँ, लेट्स से ये कोई भी बॉडी है, अभी ये स्टेशनरी पोजीशन पर है, जैसे मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, या मैं इसको एनर्जी इम्पार्ट करता हूँ तो ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो फोर्स एक कॉज ऑफ मोशन हो गया, एनर्जी एक कॉज ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। सो हम यहाँ पर सेकेंडली किसकी बात करते हैं, कॉज ऑफ मोशन की। ये कंप्लीट हमारा 11th का फर्स्ट बुक है जो सिंपल सा है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मोशन के बारे में ही पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने सेकंड पोर्शन पे। सेकंड पोर्शन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करता हूँ तो देखिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग होता है चार्ज, मैग्नेटिज्म वर्ड का मीनिंग हो गया मैग्नेट से, डैट मीन्स यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, चार्ज और मैग्नेट के बारे में। तो ओनली चार्ज एंड मैग्नेट की जो कंप्लीट डिस्कशन है वो हमारा हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हमारे 8 चैप्टर्स कवर करने वाला है। सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल से पोर्शन से हमारे 8 चैप्टर्स कवर हो जाने वाले हैं, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पर भी और बात करता हूँ चार्ज के बारे में, तो आपने पढ़ा है चार्ज अगर मूव करता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, डेट मीन यहाँ पर हम बात करेंगे करंट की, ठीक है। करंट में अगर मैं बात करता हूँ तो करंट दो टाइप की पॉसिबल है, डीसी पॉसिबल है एंड एसी पॉसिबल है। हम यहाँ पर बात करेंगे डीसी की, यहाँ पर बात करेंगे एसी की, इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, इनसे रिलेटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करेंगे। तो ये जो कंप्लीट पोर्शन है वो हमारा कवर किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशंस एंड मैग्नेटिक एप्लीकेशंस, तो हम इनसे काफ़ी फैमिलियर भी होते हैं तो इनको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है। सो डैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। नाउ आई मूव टू द थर्ड पोर्शन, या थर्ड पोर्शन इज ऑप्टिक्स, एंड द मीनिंग ऑफ ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट। यहाँ पर हम कंप्लीटली लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइट मूव कैसे करेगी, लाइट के एप्लीकेशंस क्या हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट के नेचर क्या क्या पॉसिबल हैं, ये सारी लाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम बात करते हैं यहाँ ऑप्टिक्स पोर्शन में, जो हमारा आने वाला है 12th में, राइट। अब मैं अगली बात करता हूँ फोर्थ इज अ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स नाम से मॉडर्न आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें इंटरेस्टिंग है, एंड बिलीव मी ये फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर हम बात करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है। अब बात आती है मैटर की, देखिए आपने बिग बैंग थ्योरी सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी बात करती है इवोल्यूशन के बारे में कि ये जो कंप्लीट प्लेनेट इवोल्यूशन हुआ होगा, गैलेक्सी इवोल्यूशन हुआ होगा, ये कैसे बना होगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझाने का ट्राई करूं तो हम जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम्स, डैट मीन दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एटम से फॉर्म हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एटम बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एटम के बारे में। अब एटम में भी अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ तो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, राइट। सो यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि एटम बनने से पहले तो न्यूक्लियस बना होगा और न्यूक्लियस बनने से पहले प्रोटॉन बना होगा, तो हम यहाँ बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो कंप्लीट जो ये मैटर फॉर्मेशन है एंड मैटर टाइप है, इन सब की जो कंप्लीट स्टडी है वो हमारी किस में आने वाली है, मॉडर्न फिजिक्स में। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाईली रिसर्च फील्ड है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम फोर्थ पोर्शन होता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, जो हमारा आने वाला है 12th की सेकेंड बुक में। नाउ आई मूव टू द फिफ्थ पोर्शन, डेट इज अ हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। देखिए बेटा
हीट इज आ एनर्जी एंड थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट, डेट मीन ये हीट हो गया एंड डेट इज आ एप्लीकेशन ऑफ हीट हो गया। बड़े सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, लेट से कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल ले लेते हैं, कार की बात करते हैं, कार में हमने पेट्रोल फिल कराया, पेट्रोल को बर्न किया, बर्न करने से प्रोड्यूस होगी हीट, उस हीट से कार चलने लगी तो वो हो गया एप्लीकेशन ऑफ हीट, जिसके कारण वर्क परफॉर्म हुआ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हीट की, हम बात करते हैं कैसे हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। वर्क में कन्वर्ट होगी तो कितना कन्वर्ट होगी, पेट्रोल इंजन में ज़्यादा कन्वर्ट होगी और डीजल इंजन में ज़्यादा कन्वर्ट होगी, राइट। सो यहाँ पर हम बात करते हैं हीट इंजन की, हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, हम बात करते हैं एयर कंडीशनर्स की। तो ये सारा जो डिस्कशन है जो हीट से रिलेटेड है वो हमारा कवर होने वाला है यहाँ फिफ्थ पोर्शन में, डेट इज़ अ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। नाउ आई मूव टू द लास्ट वन, वेव एंड साउंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। ये सेपरेट चैप्टर्स हैं, कुछ अदर चैप्टर्स हैं जो हमारे सिक्स पोर्शन में हम कवर करते हैं, जो हमारा 11th सेकेंड बुक का पार्ट है एंड डैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो अगर मैं बेटा देखो कंप्लीट अगर मैं बात करता हूँ तो जो अपना पूरा फिजिक्स का सिलेबस है वो ओनली बात कर रहा होता है नेचुरल फोर्सेस की। अगर आप इसको कम्प्लीटली समझने का ट्राई करोगे तो हम यहाँ पर किन की बात करने वाले हैं, नेचुरल फोर्सेस की। और नेचुरल फोर्स अपने क्या हो गए, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। हम बस ये सिंपल सी पाँच टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, इससे हमारा कम्प्लीट फिजिक्स कवर हो जाएगा। सो डैट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जो आप नोट डाउन भी कर सकते हो या आप फोटो क्लिक कर सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल है। हम यहाँ पर ये हमारा फिजिक्स पोर्शन है जो पूरा हम कवर करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और एड ऑन करता हूँ तो देखिए बेटा, जैसे मैं नीट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली बात करता हूँ तो नीट एग्जाम में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है पर्टिकुलर पोर्शन का, तो अगर मैं एक एवरेज कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बताता हूँ तो हमारे नीट एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं 45। अगर मैं 45 का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ सो अपना जो मैकेनिक्स पोर्शन है ये कवर करता है 8 to 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 45। इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं अपने, 8 to 10 क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बात करता हूँ, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड विच कवर्स 11 to 14 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 11 to 14 क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पोर्शन से आते हैं, होते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई मूव टू द ऑप्टिक्स, सो डेट कवर 2 to 4 क्वेश्चन, एवरेज इज 3, समटाइम्स 4, समटाइम्स 2, जनरली एवरेज इज 3, बिकॉज वी ओनली कवर 2 चैप्टर इन द ऑप्टिक्स पार्ट, वन इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स। तो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पर 2 से 4 क्वेश्चन ही हमारे आउट ऑफ 45 में कवर कर रहा होता है। अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्न फिजिक्स की तो इसमें हम कवर कर रहे होते हैं टोटल 4 चैप्टर्स, और 4 चैप्टर्स का अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 5 to 8 क्वेश्चंस। जनरली 6 or 7 का नंबर रह रहा होता है आउट ऑफ 45। इस रेस्पेक्ट में 5 to 8 क्वेश्चंस का हमारा एक एवरेज पोर्सन है जो मॉडर्न फिजिक्स कवर करने वाला है। नाउ इफ आई मूव टू हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, सो हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 चैप्टर्स कवर कर रहे होते हैं। अगर 3 चैप्टर्स का मैं कोऑर्डिनेशन की बात करता हूँ तो ये हमारा कवर करता है बेटा 4 to 6 क्वेश्चंस। नाउ इफ आई मूव टू द लास्ट पोर्शन, इसमें हम 3-4 चैप्टर्स कवर करते हैं और इन 3-4 चैप्टर्स का जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है अपना 6 to 8 क्वेश्चन। सो ओवरऑल ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये हमारा कंप्लीट 45 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, मैकेनिक्स भी इवन इम्पॉर्टेंस सारे हैं। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू अदर चैप्टर्स, राइट। सो दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोर्शन मैकेनिक्स, देन विल मूव टू द विल कवर कंप्लीट 11 सिलेबस इन अ वन वीडियो सीरीज एंड इन अनदर वीडियो सीरीज विल कवर कंप्लीट 12th सिलेबस। सो अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप 11th वीडियो सीरीज फॉलो कर सकते हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप 12th की वीडियो सीरीज फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग आफ्टर 12th पास आउट सो यू कैन फॉलो बोथ सीरीज, 11th सीरीज एंड 12th सीरीज, आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप हम यहाँ पर यूट्यूब पर कवर करेंगे कंप्लीट 11th एंड 12th सिलेबस एज पर द नीड सिलेबस, राइट। सो थैंक यू सो मच। Now